आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है कि गाजीपुर में घटना हुई है और दुखद घटना है, उसमें बीजेपी के लोगों का हाथ है, उसमें सारे बलिया के एमपी थे, उसमें सलेमपुर के एमपी थे, वहाँ फेफना के जो है विधायक थे, वहाँ सदर विधायक थे, सभी वहाँ के जितने भाजपा के लोकल नेता उसी रास्ते से जा रहे थे। घटना दुखद है, मैं उस जो कांस्टेबल मरे हैं मैं उनके शोक संतप्त परिवार के साथ हूँ और ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं हो देश में, और उसके लिए वो सारे लोग जिम्मेदार हैं। हमारे कुछ साथी अपना आरक्षण का जो मुद्दा 20 तारीख से इलाहाबाद श्रृंगलपुर से चला है वो जन आक्रोश यात्रा है आरक्षण का, कि मोदी योगी ने दोनों ने झूठ बोला, झूठ बोलकर वोट ले लिया। उन्होंने कहा था संविधान में ये जिनका हक है, जब एमपी थे योगी जी तो उन्होंने सदन में भी आवाज़ उठाई थी कि संविधान की सूची में वर्णित है और मछुआरों की जो जातियाँ हैं ये सब संविधान के हकदार हैं। एक रेल रोको आंदोलन हुआ था उसमें भी उन्होंने यहाँ मतलब प्रदर्शन में कहा था, अपने घोषणा पत्र में कहा था। तो सारे घटनाक्रम के जिम्मेदार तो योगी हैं, मोदी है। मोदी जी ने कहा था हम गंगा पुत्रों का दूर दूर करेंगे, तो अगर गंगा माँ के पुत्र हैं मछुआरे तो गंगा का जो हिस्सा बनता है तालघाट नदी बालू उस पर तो इनको मिलना चाहिए जो पहले से। आज के दिन में इन लोगों के झूठ बोलने से हमारा समाज उजड़ गया और इस आरक्षण के लिए वो सारे लोग आ रहे थे सुल्तानपुर, लेकिन रास्ते में इन लोगों के जो बसें जा रहे थे उसमें हमारे लोगों के जब धरना मतलब आरक्षण देखा तो जिन लोगों ने उन्हें प्रोटेस्ट किया और जेलों में ले जाकर बंद कर दिया, 5-3-4 थानों में ले जाकर बंद कर दिया। तो उन अपने साथियों को छुड़ाने के लिए फिर मांग कर रहे थे कि हमारे साथी को एल आई पे काल डिटेक्ट निकाल लेगा। एल आई से कई बार बात हुई, एल आई ने कहा कि हम छुड़वा देते हैं। बाद में शाम को 4 बजे कहा कि नहीं हम छोड़ेंगे, अधिकारी नहीं छोड़ रहे, तो पश्चात हमारे लोग रोड पर आए अपने प्रदर्शन को। हमारी जायज मांगे हैं, हमारा समाज लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन एक अनिवार्य अंग है और उसको संभालना सरकार का काम है, और इनके भाजपा के गुंडों जब वो रास्ता रुका हुआ तो भाजपा के जितने भी विधायक थे और जितने वहाँ के विधायक लोकल जो ब्लॉक प्रमुख है जो है अवधेश जो है राय है, उनका भाई जो पप्पू राय है और वहाँ जो हल्का राय का है गुंडा लोकेश, उस भीड़ पर इतनी स्पीड से अपनी गाड़ी को कुचलने की नियत से गया तो रास्ता खाली हो गया, लेकिन अब उसने कुचलने की नियत से गया तो उसमें भीड़ हुई। तो भाजपा और विशाल समाज के लोगों में वहाँ पहले आंदोलन हुआ और इन्हीं लोगों के मैं कहता हूँ कि आज डीजीपी ने उन्हें एडीजी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि वह व्यक्ति को कांस्टेबल को हेड में चोट लगने से पत्थर से मृत्यु हुई है और उसके शरीर में कोई चोट के निशान नहीं है। तो मैं कहता हूँ पुलिस का ध्यान क्योंकि पीट पीट के मार डाला, ये जो सारा कुछ है ये गलत शब्द है, और जिस चीज़ पत्थर से चोट लगे अगर उसे इंटेंशनली उसे पत्थर से मारा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जाँच होना चाहिए। बिना उच्च स्तरीय जाँच के इस तरीके एक तरफा कार्रवाई की विशाल समाज के ऊपर गाँव गाँव से पकड़ के ला के उनकी महिलाओं को उत्पीड़न हो रहा है, सब फुटेज नजर आ रहे हैं, उनकी टीवी तोड़े जा रहे हैं, बच्चों मारे जा रहे हैं, महिलाओं को मारा जा रहा है। तो अगर ये अब NSA लगाने की तैयारी चल रही, जितना धरना प्रदर्शन में थे सारे लोगों को बंद कर दिया, धरना प्रदर्शन में अगर बंद करते हैं तो प्रदेश बंद हो जाएगा। कल से हम लोग पूरे प्रदेश को हर जिले में एक धरना प्रदर्शन होगा, और कल योगी जी जहाँ से बोले थे कि इनका आरक्षण का हकदार है उसी जगह पर यहाँ गोरखपुर में प्रदर्शन हो रहा है कमिश्नर के सामने, और ये रैली आज शाम को आ जाएगी, कल सुबह सदनवा के रास्ते आएगी और सारे मंडल के लोग अपने अपने जिलों से गोरखपुर। तो सर क्या गाजीपुर की जो घटना थी वो प्री प्लान थी? नहीं, कोई प्री प्लान नहीं, हमारे लोग तो आज सदियों से आंदोलन कर रहे हैं, अपना अनुसूचित जाति का मांग कर रहे हैं, जो हमारा हक है बनता है। प्री प्लान क्या होता? प्री प्लान होता तो नोटिस जाती सब कुछ होता, ये प्री प्लान तो भाजपा के लोग जान ही रहे हो किस तरह से प्री प्लान से काम कर रहे हैं। सारे लोग प्रज्ञा ठाकुर का मामला देख लो, चाहे आज के दिन में सारे तो खुलासे होते हैं और उसके बैकफुट पर जाते हैं भाजपा। मैं कहता हूँ प्री प्लान कोई नहीं है, उसमें दोनों तरफ से ही पत्थर चले और किसके पत्थर से लगाए तो जांच का विषय है, उस पर इनको इंक्वायरी करना चाहिए। इंक्वायरी करने के बाद वो चिन्हित होना चाहिए कि व्यक्ति कौन है जो वो 302 का मुर्गी हो। हम कहते हैं सारे लोगों को 302 चार्ज कर लो, और लोग NSA लगाओ। अब धरना प्रदर्शन के ऊपर अगर NSA लगता है तो मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा तो मुकदमा योगी जी के पास है, सबसे ज़्यादा लिस्ट है, 2 पन्ने का लिस्ट है FIR का, सबसे पहले योगी जी का विवेचना चल सकता है कई साल से, तो विवेचना करके पहले उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए कि पहले बिना विवेचना के पहले अपना पूरा करा लें योगी जी, तब जनता जिसके वोट से मुख्यमंत्री बने उसको। सर एक लीक से हट के सवाल ये है कि हमेशा आप आरोप प्रत्यारोप और आंदोलन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आपके इस वक्त सांसद भी सदर सांसद भी आपके पार्टी से हैं,
तो कब आप विकास के बारे में बताएंगे, सांसद ने अपने कार्यकाल में क्या कहते हैं ये कब आप बताएंगे? विकास के बारे में मैं बता दूं आपको कि एक साल के सांसद हैं और एक साल के सांसद में वो संविधान विकास जो होता है संविधान से होता, व्यक्ति से नहीं होता। उन्होंने सदन में आवाज़ उठाई अपने इस आरक्षण के मुद्दे पर, वहाँ रोक दिया गया। जितने इनके प्रस्ताव पेश भेजे गए उस प्रस्ताव को किस तरीके से नहीं किया गया है, आप उसके सांसद निधि को किस तरीके से अब हो जाएगा। मैं कहता हूँ जब अधिकारी आश्वस्त करेगा नहीं करने के लिए कहेगा तभी तो हम उसके लिए करेंगे। अब शुरू किया एक महीने की सारी निधि खत्म हो जाएगी, सारा प्रस्ताव पास हो गया और आपके सामने जितना रहेगा वो सब दिखाई देगा। और मैं विकास काम करना सरकार का काम है, हम लोगों का काम है कि उस रास्ते पर चल के सही जगह पर पहुंचाना। हम कहते हैं आज के दिन में विकास के मुद्दे से भटकाने के लिए तो राम मंदिर मुद्दा ये सारा मुद्दा भाजपा भटका रहे, विकास काम ले पा रहे। आज के दिन में अपने ही किए गए प्रस्ताव को इंक्वायरी कराना, अपने ही लोगों को उस पर जो टाइम दे दिया 45 दिन के अंदर प्रस्ताव पारित हो जाए, अगर कुछ लेट होता उसके लिए तो सरकार जिम्मेदारी। ठेकेदार उसमें मिली भगत था भाजपा का, नहीं काम करा रहा था वो, लेट वर्क कर रहा था, बेजित हो जाएंगे। तो मैंने उस ठेकेदार का जो है जो वो था ठेका था उसे कैंसिल करा कर दूसरे ठेकेदार को लगाया, नहीं हमारा निधि जल्दी खाली होना चाहिए। सवाल ये है कि एक साल हो गया है सांसद महोदय को, क्या कर किया सर उन्होंने? नहीं, मैं कहता हूँ कि आज के दिन में जो उनसे हो सकता था सदन में क्वेश्चन लगे हुए हैं, सदन में आवाज उठाने के लिए क्षेत्र में जो उनके निधि खर्च होने चाहिए थे जहाँ जहाँ देने चाहिए सारा प्रस्ताव दे दिया गया। काम कर रहा है, वो काम हो रहा है उस हिसाब से हो रहा है। जैसे रोका जिसने ठेकेदार को उसका कैंसिल करा तो दूसरा ठेकेदार लगाया। नहीं भैया, अगर निधि का उपयोग नहीं हो रहा है नहीं सर।